सरकार और दिल्ली में कह रही है, उसके अलावा केवल जो दिल्ली के तीनों नगर निगम है और दिल्ली की जो ज्वलंत समस्या है प्रदूषण, उसके बारे में दिल्ली नगर निगम क्या कर रही है आज उस पर चर्चा करते हैं और फिर धीरे धीरे इसको पूरे इशू को जो दिल्ली में कर रही है, जो केंद्र सरकार कर रही है या दिल्ली सरकार कर रही है, वो आने वाले दिनों में आपको हम बताते रहेंगे। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी, दिल्ली नगर निगम मेरी दाएं तरफ है, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्री निर्मल जैन जी, अध्यक्ष जी के दाएं तरफ है जेपी भाई जी जो कि दिल्ली के उत्तरी दिल्ली नगर निगम के महापौर हैं, उनके साथ है अनामिका जी जो साउथ दिल्ली नगर निगम की मेयर हैं, और उनके दूसरी तरफ हमारे मीडिया के सह प्रभारी महेश वर्मा जी, नीतू जी, नीतू लवास हमारी प्रवक्ता है, अगर मंच पर आ जाए। मैं अध्यक्ष से कहूंगा कि आज का विषय स्प्रिंकलर्स किसके हैं, वो एमसीडी के हैं।
जो मैकेनिकल स्वीपिंग हो रही है जिससे धूल समाप्त होती है वो कौन कर रहा है? कॉर्पोरेशन कर रहा है, निगम कर रहा है। पार्कों में जो जेट प्रेशर से पेड़ों की सफाई हो रही है, बड़े बड़े जहां पर धूल जम जाती है वो सफाई हो रही है, वो कौन कर रहा है? वो निगम कर रहा है। हमारे जहां पर लोग आग लगा देते हैं रात रात को, निगम कर्मी वहां जाकर चेकिंग करते हैं और चालान करते हैं। जहां पर अभी ग्रेफ के अंदर जो ईपीसीए ने जो ग्रेफ लागू किया उसका अनुपालन कराने का काम कॉर्पोरेशन का है, और कॉर्पोरेशन वो काम कर रहा है चाहे वो कोयला ना जलाने की हिदायत हो या फिर जनरेटर ना चलाने की हिदायत हो। ये जितने भी काम है जो ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन के काम है वो कॉर्पोरेशन कर रहा है। उसकी डिटेल अभी हमारे तीनों महापौर जी देंगे। लेकिन मैं एक सवाल दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, क्या आप सिर्फ प्रचार के लिए हैं? तो हम ये समझ लें कि आप प्रचार मंत्री हैं क्या, कि आप प्रचार के लिए हैं, आप कोई काम जमीन पर नहीं करेंगे? आपको जो फंड दिया गया है जो पॉल्यूशन को कम करने के लिए, आपने उसमें क्या कदम उठाए? मुझे ध्यान है आज से दो वर्ष पहले जब मैं नॉर्थ कॉर्पोरेशन का मेयर था उस समय इन्होंने 900 करोड़ रुपया में से सिर्फ 93 लाख रुपए खर्च किए थे, और आज भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़े हालात ऐसे हो गए हैं कि इन्होंने बहुत पैसा खर्च कर दिया। आज भी इन्होंने ना तो पैसा खर्च किया है जो इनके पास पैसा पॉल्यूशन को कम करने के लिए आया है, और ना ही कॉर्पोरेशन को देने के लिए जो एनजीटी ने आदेश दिए थे कि भाई निगम को आप 250 करोड़ रुपया दें, वो पैसा भी इन्होंने निगम को रिलीज नहीं किया। बहुत सारे काम जो निगम के हैं निगम करता है। मैं दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री से अपील करना चाहता हूं, ये जो प्रदूषण की समस्या है ये कोई सिर्फ ना तो निगम की समस्या है ना ही आपकी समस्या है, ये दिल्ली वाले जो दिल्ली के लोग हैं जो त्रस्त होते हैं। आज जब हम भी सुबह उठते हैं तो जो हवा का वात बदल गया है, जो हवा में नमी आ गई है और हवा की जो स्मेल बदल गई है उसके लिए हम सभी चिंतित होते हैं, और कई सालों से हमें इस बात के लिए भुगतना पड़ता है। हमारे दिल्ली में बहुत सारे सीनियर सिटीजन रहते हैं, वो चिंतित हो जाते हैं जो बीमारियों से ग्रस्त हैं। इस समय कोरोना वायरस है इसलिए ज्यादा चिंता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे कदम उठाए, उन कदमों की मैं चर्चा जरूर बाद में करूंगा, लेकिन मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूं ये प्रचार 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 का काम छोड़ दें, असलियत में जो काम करने की जरूरत है, जिस पराली की बात करते हैं उस पराली का पॉल्यूशन, दिल्ली के पॉल्यूशन में कितना कंसर्न है, मुश्किल से मुश्किल 5% ही है। 95% जो मुख्य कारक हैं वो आपके हैं, दिल्ली के हैं, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है उन कारकों का, और सिर्फ अक्टूबर के महीने में नहीं, आपने अप्रैल से क्या किया, आपने जनवरी से क्या किया, आपने साल की शुरुआत में चिंता करनी थी कि भाई अप्रैल से आप चिंता करते, आपने जो बजट निर्धारित किया उसमें आपने 2.5% भी खर्चा नहीं किया है, और हम देखते क्या है कि रोज साहब केजरीवाल साहब एक जगह गए हैं और वहां पर एक फोटो सेशन हो रहा है और वहां पर वो घोल बना रहे हैं, घोल बना रहे हैं, वो घोल जाएगा कहां और कहां होगा, इसका उपयोग क्या होगा, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपको शायद समझ में आया होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन आज मैं कई इलाकों में गया किसान दिन से संबंधित, लोग ये सवाल पूछ रहे थे मेरे से कि जो केजरीवाल साहब जो घोल बना रहे हैं और उनके जो मंत्री साहब नक्शा एक टांग कर ये कहते हैं हम एक्शन प्लान करेंगे, वो उसका
मतलब क्या, आपने इलेक्ट्रिक बसें खरीदी थी जो जो रिकमेंडेशन थी कि भाई इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा चलेंगे, 1000 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी थी, एक भी नहीं खरीदी। हर साल यही वो कह रहे टालू मिक्सर देना, दिल्ली के लोगों को भ्रम में रखना, विज्ञापन देना, प्रचार करना और जमीन पर कुछ नहीं करना, यही एकमात्र उनकी नियत बन गई है। मैं समझता हूँ दिल्ली के लिए दुर्भाग्य है, लेकिन मैं ये केंद्र सरकार का जो इनिशिएटिव है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन जरूर करूंगा, लेकिन जो ये आंकड़ों की बाजीगरी है इसको प्लीज प्लीज केजरीवाल साहब इसको मत करें। दिल्ली के लोगों के लिए असली जो चिंता का विषय है पॉल्यूशन है। हम सब मिलकर, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, निगम हो, केंद्र सरकार हो या फिर पब्लिक के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, मैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी भी कहीं भी अवेयरनेस की बात हो उसमें पार्टी का कंसर्न है, हम लोग इस काम को भी आगे बढ़ाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि निगम इसमें बहुत सारे प्रोएक्टिव काम कर रहा है और हम आगे भी करेंगे। मैं अपने तीनों महापौर से जो जो आपने स्टेप प्रोएक्टिव होकर उठाए हैं इस पॉल्यूशन की समस्या को समाप्त करने के लिए, उनके बारे में आप लोग जरूर अपनी एक डिटेल रिपोर्ट यहाँ दें, जिससे कि लोगों को असलियत में पता लगे कि आप अखबार में घोल बनाने वाले नहीं है, हम जमीन पर एक्शन करने वाले हैं। हमारे मेयर इस जेट प्रेशर लेकर सफाई करते हुए दिखेंगे, हमारा कोई घोल नहीं है बनाते, घोल कहाँ पड़ेगा बताओ। दिल्ली में कितनी जगह पराली का होता है, अगर ऐसा होता तो वो कहते, मैं उनसे कहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, चलिए आप, मैं हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूँ, आप चलिए मैं भी चलता हूँ, वहां के किसानों से हाथ जोड़ के अपील करेंगे। लेकिन सवाल की जो 5% है, आप 95% चीज सही नहीं कर रहे हो और मुद्दे को डाइवर्ट करके करने के लिए रोज कहते हैं पराली पराली पराली। अरे 5% के लिए 95% तो सही करो, उसके लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। इसलिए बहुत चिंतित हूं और बहुत गंभीर मुद्दा है, इसलिए आप लोगों के सामने आया हूं। और ये भी कहता हूं, आपसे वादा करता हूं कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जैसे कोरोना टाइम में हम लोग आगे आगे काम किया था, अब अवेयरनेस के लिए भी हम जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां इस मुद्दे को लेकर लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। मैं अपने नॉर्थ दिल्ली के मेयर जयप्रकाश जी से कहूंगा कि वो अपनी बात को रखेंगे, नवीन जी आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारे भी ये आईडी भी जाएंगे, आईडी इधर करना। धन्यवाद अजय जी, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हमारे दिल्ली के अध्यक्ष अजय गुप्ता जी के साथ हम तीनों महापौर इस प्रेस वार्ता में आप सबको संबोधित कर रहे हैं। प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि हमारे सभी किए गए अच्छे कार्यों को अपने माध्यम से जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। मैं आप सबका नमस्कार करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। पिछले 6 वर्ष से दिल्ली के अंदर एक पार्टी राज कर रही है जिसका नाम तो आम आदमी पार्टी है, लेकिन मैं उसको आम आदमी पार्टी ना कहकर के आरोप आदमी पार्टी कहता हूँ। एक ही का मतलब है आरोप आदमी पार्टी, क्योंकि वो आम आदमी के लिए आप कुछ काम नहीं कर रही, उनका काम है सिर्फ आरोप लगाना, भाग देना। आप सबने देखा होगा कि 2019 तक वो केंद्र से लड़ते रहे, लेकिन जब वो केंद्र से पिटपिटा के वापिस आ गए, दोबारा जनता ने उनको पता नहीं कैसे जिता दिया, तो उनकी प्रवृत्ति लड़ने की वो निगम से लड़ रहे हैं, लेकिन हम उनसे मजबूती से लड़ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं और हम जो जनता के लिए हमारे को जिम्मेदारी है उनको अच्छे से कर रहे हैं। आज सारा विषय एयर पोल्यूशन का है। दिल्ली को एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए तीनों नगर निगम कटिबद्ध है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने एक महाअभियान की शुरुआत की थी करोड़ से, और हमने अच्छे से भावे
कार्यक्रम किया, उस हमारे 6 जून के अंदर कार्यक्रम बनाए और 6 जून में लगातार हमारे 104 वार्डो में इस अभियान को हम अच्छे से चलाएंगे। अब अभियान चलेगा कैसे? अभियान चलाने के लिए हमारे पास जो लॉजिस्टिक्स है, जो हमारे पास साधन है, वो हमारे को भारत सरकार की सहायता से हमें मिले, रूल मिनिस्ट्री की सहायता से मिले, मोदी सरकार की स्वच्छ भारत मिशन के तहत वो सारी हमारे को गाड़ियां मिली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम में 18 मेडिकल स्वीपर मशीन काम कर रही है, जो कि रोज सुबह रात को काम शुरू करते, सुबह शहर खुलने से पहले अपना काम पूरा करके वापिस चली जाती है। 613 किलोमीटर रोड रोज हम साफ करते हैं, जो हमारा सेंट्रल वर्जन है, बड़े बड़े जो रोड पीडब्ल्यूडी के भी रोड जिसमें शामिल है, उसमें पानी के छिड़काव से जो डस्ट है उसको साफ करने का काम हमारी मैकेनिकल स्वीपर मशीनें कर रही है। इसी प्रकार से 130 हमारी और गाड़ियां हैं जिनको हम स्प्रिंगर मशीन स्प्रिंगर कहते हैं, जो हमारे टैंकर है उसके अंदर हमारे लगभग 9000 लीटर जिसके अंदर पानी होता है, वो स्प्रिंकलर्स हमारे सुबह निकलते हैं और जगह जगह पानी का छिड़काव करते हैं। ऐसे हमारे लगभग 6000 लीटर पानी के स्प्रिंकलर 30 वो हैं जिस जो कि डेली सुबह निकलते हैं, 6 के 6 जोन में हमने उसको डिवाइड कर रखा है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कहीं रोड बड़ा है, कहीं छोटा है, कहीं छोटी गलियां भी, तो छोटी गलियों में छोटे रोडों के लिए भी हमने 3000 लीटर के अलग से स्प्रिंकलर बनाए हैं। इस प्रकार से 130 हमारे स्प्रिंकलर उत्तरी दिल्ली नगर निगम में रोज काम कर रहे हैं और वो अलग अलग एरिया के अंदर क्षेत्र के पार्षद के सहयोग से, हमारे जोन चेयरमैन के सहयोग से जो कार्यक्रम हम तय करते हैं उसके हिसाब से एरिया में जाते हैं और पानी का छिड़काव करते हैं। 20 जेटर स्प्रे पावर मशीन जो कि हमारा बड़ा टैंकर है, जिसको कि हम बड़े बड़े पार्कों के अंदर मेन रोड में जो हमारे पेड़ है उनको धोने का उनसे हम काम करते हैं, वो हमारा काम करें उनको कि हमने अलग अलग 6 जोन में डिवाइड किया है। इसके अलावा उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत महत्वपूर्ण, लगभग जो हमारा सेंट्रल वर्जन है पूरे रोड जो सेंट्रल वर्जन के है उसमें हमने 26371 पौधे वे 25313 झाड़ी नुमा पौधे लगाए हैं, ताकि उन पौधों के कारण से जो डस्ट है वो डस्ट उड़े ना, झाड़ी नुमा पौधों के अंदर डस्ट वहीं फंस के रह जाती है, ऊपर उड़ती नहीं। जो हमारा भरसवा लैंडफिल है उस पर आग की घटना को रोकने के लिए अलग से हमने स्कीम बनाई है, एक टीम हमने बनाई है जो कि वहां पर स्प्रेयर का काम करेगी और कहीं भी आग ना लगे उसकी चिंता करेगी, उसके लिए अलग से एंटी स्मोक गन लगाने का भी कार्य प्रगति पे है जो कि जल्दी वहां पर लगेगी, उसका हम सब जाकर उसका उद्घाटन करेंगे। खुले में कूड़ा जला ना जले उसके रोकथाम के लिए 6 के 6 जोन में 6 टीम बनाई गई है, वो 6 टीमें 6 जोन के अंदर जाएगी, जो जो एरिया है जहाँ लोग आग लगाते हैं उन एरिया को हमने चिन्हित किया है, उनको लिस्टेड किया, सूचीबद्ध किया है और पहले से ही वहां पर वहां का जो हमारा इंस्पेक्टर है उसको उसका नॉलेज इंचार्ज बनाया है, अगर कहीं भी खुले में कोई आग लगाएगा तो हम उसका उसको पनिश भी करेंगे, उसको फाइन भी लगाएंगे, लेकिन उससे पहले अवेयर भी करेंगे। तो हमने बाजारों के अंदर लोगों को भेजा है, हमारी टीम निकल करके काम कर रही है। क्षमता वाले जो हमारे चेन्नई प्लांट है, क्योंकि जो पीडब्ल्यूडी रोड है दिल्ली के अंदर 3000 किलोमीटर पीडब्ल्यूडी रोड है जो कि जिसको मेंटेन का काम मेंटेन करने का काम दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार कहीं से मलबा उठाती है और पीडब्ल्यूडी रोड पर फेंक देती है, दिल्ली की जनता को नहीं पता ये मलबा कि कौन उठाएगा, लेकिन हमने उस मलबे को उठाने की व्यवस्था की है और जो मलबा उठेगा उसका जो खर्चा आएगा उसका बिल हम दिल्ली सरकार को भेजेंगे। तो हमारे सीएनटी प्लांट अच्छे से काम कर रहे हैं। रानी खेड़ा के अंदर हमने अभी जून 2021 के अंदर पीपी आधार के ऊपर 1000 मीट्रिक टन की क्षमता वाला एक नया सीएनटी प्लांट लगाया है, तो जो हमारे नॉर्थ सेंचुरी के अंदर हमारे सीएनटी प्लांट अच्छे से काम कर रहे हैं, भारत सरकार को भी हम उस प्लांट के माध्यम से जो वहां पे तैयार होता है तो एनएचआई के मैं वो रोज 100-150-200 ट्रक वहां हम भेज रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे दिल्ली के अंदर जल बोर्ड पीडब्ल्यूडी और बाढ़ नियंत्रण के जो विभाग दिल्ली सरकार के उनके जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके हमने अलग से लिस्ट बनाई है, हमने उनको लिख करके भेजा है कि आप तो समय रहते उनको पूरा करो
अगर वो पूरा होने में उम्र करिए तो उसको रोक लगाया जाए, और रोक करके उसको जब तक ये 2 महीने नहीं निकल जाता उसके बाद तो शुरू किया जाए। अगर वहां भी वो काम नहीं रोकेंगे तो उनका भी हम चरा भी काटेंगे, उनको नोटिस भी भेजेंगे। भवाना लैंडफिल पर भी हमारी टीम काम कर रही है ताकि हम अच्छे से काम कर सके। एक हम समीर बना रहे हैं जिसके अंदर के जितने एरिया जो कोरिडेड एरिया है वो उस एक्ट के अंदर आ जाएंगे, जैसे अशोक विहार, झांकीपुरी, मुंडका, नरेगा, रोहिणी, सेक्टर 22, बांदरी का 56 सेक्टर, किराड़ी, सुलेमान नगर, ये उत्तरी श्रीनगर के वो क्षेत्र है जहाँ ज्यादा पोल्यूशन रहता है, तो वो हमारे साथ ऐप पे वो ऐप उसमें काम करेगा। सड़कों पर धूल ना उड़े उसके लिए जिन सड़कों पर ज्यादा धूल होती है उनको भी हमने लक्ष्य चिन्हित किया है। करोलबाग गुलशन रोड, करोलबाग रोहिणी का सेक्टर 20 और 22 और नांदोई से नजरगढ़ जो रोड है इस पर बहुत ज्यादा धूल उड़ती है, उसको लक्ष्य हमने सूचीबद्ध किया है। और जो हमारा आनंद पर्वत का इंडस्ट्री एरिया है उस एरिए को और नांदोई को, इसके अलावा जो उत्तरी श्रीनगर में जितने भी इंडस्ट्री एरिया है उनको अलग से निश्चित करके वहां जितने भी एसोसिएशन है उनको पत्र लिखा है कि आपके इंडस्ट्री एरिया में धूल ना उड़े, एयर पोल्यूशन ना हो, उसके लिए सब काम करें। जहां तक खुले में पूरा जला जाता है ऐसे एरिया को भी हमने चिन्हित किया है, जैसे तिमारपुर का वार्ड नंबर 12, वजीरपुर, आउटर रिंग रोड, मुंडका, ऐसे लगभग 20 एरिया है जहाँ पिछले दिनों में खुले में आग जलाने के केस आए हैं, तो उनको हमने पहले सूचीबद्ध करके उन सबको भी बताया कि आप हमारा सहयोग करो। और जो लोग पिछले वर्ग जिनको हमने फाइन किया है उनको हमने अलग से चिट्ठी लिखी है। जो हॉटस्पॉट एरिया है उत्तरी दिल्ली नगर निगम में बवाना, कूटखुर, नरेगा, मुंडका, रोहिणी, झांकीपुरी, वजीरपुर, इन एरिया में अलग से हमने योजना बनाई है और इन एरियों के अंदर एयर पोल्यूशन को बढ़ावा ना मिले, उस पर रोक लग सके, नियंत्रण हो सके, उसके लिए निगम अच्छे से काम कर रही है। सारा काम उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हमने योजना बना करके कल से इसकी शुरुआत की है और इस अभियान को लगातार 2 महीने हम चलाएंगे। और भी अन्य जो सुझाव हमारे प्रदेश सरकार के हमारे संगठन बताएगा, अब भारत सरकार का जो निर्देशन आएगा उसके हिसाब से हम काम करेंगे। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से दिल्ली की आरोप आदमी पार्टी से ये निवेदन है कि आरोप लगाना बंद करो और लोगों को पैसा जारी करो। धन्यवाद। निर्मल जैन जी, पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर। माननीय अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे मेरे महापौर साथी, मीडिया के सब हमारे पदाधिकारी मन, आप सब मीडिया के बंधुओं का मैं अभिनंदन करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने पूरी तरीके से प्रदूषण से लड़ने का जो बीड़ा उठाया है उसका संक्षिप्त विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वास्तव में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने अध्यक्ष जी ने विस्तार से बताया, हमको एडवर्टाइजमेंट का उसका काम तो कर, हम लोग जमीनी हकीकत पे काम करते हैं और लगातार जिस तरीके से निर्देश हमें मिल रहे हैं भारत सरकार के माननीय अध्यक्ष के, हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। मैं आपको विशेष रूप से बताना चाहता हूँ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने इस बार 40 वाटर स्प्रिंकलर जो हमें भारत सरकार के यूडी मिनिस्ट्री से हमें मिले थे उसमें हमें 40 वाटर स्प्रिंकलर, और उसमें विशेष रूप हमने इस बार अध्यक्ष ये किया है कि 9000 लीटर में उसके अंदर हमने 10% जो मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोडिट फ्लैक्स का एक केमिकल होता है हल्का सा, वो पानी की तुलना में पानी से जो डस्ट जो बैठती है वो 15 से 20 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम बैठती है, लेकिन जब इस रसायन युक्त घोल से हम उसको 10% का हम जब प्रयोग करते हैं तो 8 से 10 घंटे तक, क्योंकि वायु प्रदूषण जो होता है वो धूल से होता है और उसके अंदर हम 8 से 10 घंटे उसको हम ये प्रयोग करके इसमें 1% से 1.5% यानी 9000 लीटर में करीब 50 किलोग्राम के 2 बैग हम डालते हैं और उससे बहुत बढ़िया रिजल्ट हमारा उसका सामने आ रहा है। उससे कम से कम 8 से 10 घंटे तक हमारे जो धूल के कण हैं वो हमारे बैठ जाते हैं। 40 वाटर स्प्रिंकलर पूरे दिन और रात अलग अलग अध्यक्षीय कार्यक्रम बना करके वो हो रहे हैं। इसके अलावा हमने 10 मैकेनिकल स्वीपर और 40 वाटर स्प्रिंकलर का मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल हमने
इन्हीं दिनों में 14 अक्टूबर 2019 से और हमने सितंबर 2020 तक का आंकड़ा मेरे पास है, लगभग 3 लाख किलोमीटर हमने उसको हमारे उसमें वाटर छिड़काव पानी का छिड़काव किया गया है। इसी प्रकार मैकेनिकल रोड स्वीपर जो हमारे 10 है हमारे पास, उन 10 को पूरा हम कर रहे हैं। उसके अंदर भी हमने पिछले साल 1,58,418 किलोमीटर हमने उसमें एरिया कवर किया है जो रोड हमारे घूमते हैं। और ये मैकेनिक स्वीपर के अलावा इस बार हमने 4 ऑटो माउंटेड लीडर स्पीकर, ये बहुत बड़ा काम है हमारा। सक्शन कम गैंट्रिक मशीन ये अलग चल रही है हमारी। और इस बार हमने विशेष रूप से 5 एंटी स्मोक गन, जो आपने देखा हो उसके ट्रक के ऊपर एक टोप की तरह से गोला बना होता है, वो आपको पूरी दिल्ली नगर निगम में आपको दिखाई देगी और उसका बहुत अच्छा आपका आपको उसको मिलेगा। इसके अलावा वो काम कर रहे हैं, इसमें हमने मिनी गैटिंग मशीन 12 लगाई है, एक्सप्रेटर 10 लगाए हैं। जहाँ भी कहीं बलवा वगैरह दिखाई देता है इसके लिए अलग से हमने 2 बुलडोजर लगाए हैं, हाईवा टिपर ट्रक 16 लगाए हैं। इस तरीके से सब चीज़ें हम करके और हमारी सक्षम कम गैटिंग मशीन है, हमारी जो है बहुआयामी जो UDF से हमें 18 मशीनें जो हमारे जो हमारी मशीनें जो अलग अलग कामों में हमारे आती हैं वो सब सुपर साइकिल। मेरा आदेश मेरा सिर्फ इतना निवेदन है माननीय अध्यक्ष जी कि आपके नेतृत्व में पूरा पूरी दिल्ली नगर निगम को पूरी तरीके से इसमें लगातार इसमें काम कर रहा है। और आप स्वयं भी निरीक्षण कर सकते हैं, मीडिया के प्रतिनिधि कल भी हमारे आए थे, परसों भी हमारे आए थे, लगातार आप सब लोग इसमें हमारा चेक कर सकते हैं, दिन और रात हमारे कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः आप और इसमें सबसे बड़ी एक और दिक्कत हमारी आ रही है कि हमारे को दिल्ली सरकार से इसमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता तो छोड़िए कोई चिंता भी नहीं, उन्होंने आज तक दिल्ली सरकार ने इस विषय में कोई भी अध्यक्षीय को मीटिंग करी उसमें हमारे महापौरों को नहीं बुलाया, जबकि सारा काम हम कर रहे हैं। और कल मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अपने पूर्वी दिल्ली नगर निगम में, उसमें हमने बताया कि किस तरीके से, मैं उसकी बात अभी नहीं कर रहा आज, केवल आज चिंता हम इसकी पॉल्यूशन वाली चिंता कर रहे हैं। इसके अलावा जैसी जैसा आदेश देंगे वो हमें आप जी जो है रानिका मिथिलेश जी उस निवेदन के अपना नक्शा दौरा करवाया जा रहा है, जिसमें 104 हमारे वार्ड
बढ़ाया जाना है। हो सकता है कि यदि प्रदूषण बढ़ेगी तो इस टीम को जो है और भी बढ़ाया जाएगा। और ये टीम की विशेषता है कि जब रात्रि काली होती है और उसमें जब कुछ ऐसे आरडीएफ जैसे जलाया जाता है तो उसको ये अवेयरनेस भी करते हैं, और यदि ये लोग अवेयरनेस करने के बाद उसे समझाते भी हैं और वहां पर यथासंभव पानी का भी ये लोग प्रयोग करते हैं। इसके बाद लगभग 7-7 किलोमीटर एरिया प्रतिदिन हमारे यहाँ सफाई होती है, और ये मशीन के द्वारा जीपीएस जो हम ट्रैक करते हैं मशीन के द्वारा यहाँ पर वो संचालित की जाती है कि इसकी क्रॉस चेकिंग भी होती है कि सफाई जो है वो सही है क्या नहीं। हमारे यहाँ नाइट पहल में 8 घंटे जी। आपके कहानी कुछ सवाल हो और